नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह, और आइए आज के तमाम बड़ी खबरों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। दो मोटरसाइकिलों में आमने सामने हुई भिड़ंत। जी हां, यूपी के बस्ती जिले के वल्टरगंज थाना क्षेत्र के मनिकचंद चौराहे के पास दो मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गए। घटना में मोटरसाइकिल सवार मनीराम 28 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। वल्टरगंज एसओ के डीके सरोज ने दिखाई दरिया दिली। मौके पर पहुंचकर घटनास्थल पर मौजूद एसओ के साथ मिलकर गंभीर रूप से घायल को हमराही और ग्रामीणों की मदद से अपने साथ लेकर जिला अस्पताल बस्ती पहुंचे। एसओ दिनेश कुमार सरोज ने ग्रामीणों की सराहनीय कार्य की प्रशंसा की। देखिए पुरानी बस्ती से मोहित कुमार की रिपोर्ट। पेड़ गिरने से बिजली बाधित। जी हां, झारखंड के रांची जिला के चुटिया थाना के पास बिजली के तार पर पेड़ गिरने से बिजली बाधित। इंजीनियर के दिशा निर्देश में हो रहा है कार्य। बिजली के तारों को ठीक कर लाइन चालू करने की तैयारी जोरों पर है। देखे रांची से मोहम्मद सहनवाज। रामचंद्र को जिले का भार सौंपा गया। जी हां, यूपी के बदायूं जिला के उघैती सर्किट क्षेत्र स्थित भारतीय किसान यूनियन के बरेली मंडल के सचिव नंदराम शर्मा ने बातचीत में बताया कि पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मपाल सिंह के समय संगठन में जो दरार पड़ी थी वह उनके विचारों की वजह से थी। उनके विचार संगठन के प्रति अच्छे नहीं थे, इसकी वजह से पुराने सभी कार्यकर्ता संगठन से दूर होते चले जा रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा हुए नए जिलाध्यक्ष रामचंद्र को जिले का भार सौंपा गया, और जब तक यह सच्चाई और ईमानदारी के साथ कार्य करते रहेंगे हम सब इनके साथ देते रहेंगे, और जिस दिन उन्होंने ईमानदारी का रास्ता छोड़ दिया तो हम भी साथ छोड़ देंगे। देखें उघैती सर्किट से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम नंदराम शर्मा, मैं बरेली मंडल का सचिव हूँ, और जो धर्मपाल सिंह के समय में जो जिले में दरार पड़ी हुई थी वो उनके विचारों के बारे में, उनके विचार जो थे वो संगठन के प्रति अच्छे नहीं थे। इसको देखते हुए हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, अपने द्वारा हमारे रामचंद्र सिंह को इस जिले का भार सौंपा है। हम उनकी ईमानदारी के साथ हैं, और जब तक वो अपनी ईमानदारी की लड़ाई लड़ते रहेंगे हम हर तरह से उनके साथ रहेंगे, और ईमानदारी से हर हटकर काम करते हैं तो हम उनके साथ नहीं। बड़ी सीधी सी बात है। एक दिन में दो कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। जी हां, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला के गदरपुर थाना अंतर्गत एक दिन में दो कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। भोला कॉलोनी निकट
नूरी मस्जिद स्थित एक व्यक्ति दिल्ली से कुछ दिन पूर्व आया था, जिसकी रिपोर्ट हल्द्वानी गई थी। रिपोर्ट आने के बाद युवक में कोरोना की पुष्टि पाई गई, जिसमें क्षेत्र में व ग्रामीण इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन स्वास्थ्य विभाग मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर वार्ड नंबर 2 भोला कॉलोनी के पूरे एरिया को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया और परिवार के सभी सदस्यों को क्वारंटाइन के लिए पंत नगर भेजा और LIU रिजवान खान के द्वारा आसपास के परिवारों को सावधानी विशेष रूप से बरतने के लिए कहा। स्वास्थ्य अस्पताल के डॉक्टर अंशुल सिरोही के द्वारा समस्त क्षेत्रवासियों से अनुरोध करते हुए कहा कि कोरोना वायरस को लेकर भयभीत ना हो, इससे बचाव के लिए आपको जागरूकता अपनानी है। आवश्यक रूप से घर में बाहर नहीं निकलना है, चेहरे पर मास्क पहनना है, हाथों में सैनिटाइजर लगाना है, अपने हाथों को हर 20 मिनट के बाद साबुन से अच्छी तरह से धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना है, क्योंकि हमें कोरोना को हर हाल में हराना है। देखिए गदरपुर से साहनूर अली की रिपोर्ट। डॉक्टर अंशुल सिरोही CSC गदरपुर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। जैसा कि हमें पता चला है कि भोला कॉलोनी वार्ड नंबर 2 में रहने वाले इरफान नाम के व्यक्ति जो कि दिल्ली से आए थे, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है और वो क्वारंटाइन है इंस्टीट्यूशनल। अब इनके घर में, ये दिल्ली से 18 तारीख को गदरपुर आए, लेकिन इन्होंने कहीं अपनी जांच नहीं कराई और किसी भी तरह की कहीं एंट्री ना करा के ये चुपचाप तरीके से अपने घर में रह रहे थे। अब जब मामला संज्ञान में आया तो मेडिकल की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम ने, दोनों टीमों ने इनके घर आकर इनका नाम नोट किया, इनसे पूछा, इनकी जानकारी ली गई, ट्रेवल हिस्ट्री ली गई। इसके बाद इन्हें अब कल सुबह आगे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा। इस फैमिली में अभी जो हमने जानकारी ली है वो टोटल 10 लोग हैं और इसमें से एक बच्चा 5 साल का है और एक लड़की 11 साल की है और बाकी सब लगभग 20 प्लस एज के हैं। तो इनको कल सब को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा। नहीं देखिए, ये जिस तरह की आवाजाही इस तरह की होती है तो आदमी को खुद थोड़ा सा इस चीज़ में थोड़ा सा जागरूक रहना चाहिए कि हम अगर कहीं बाहर से, हमारी ट्रेवल हिस्ट्री है तो हमें इधर उधर ना जाए, आसपास अपने घरों से बाहर ना निकलें, ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। अगर फिर भी इस तरह की कोई हलचल देखने में मिलती है तो जानकार द्वारा जब भी सूचना मिलेगी तो उसके खिलाफ फिर थोड़ा कार्रवाई की जाएगी और उन्हें समझाया भी जाएगा कि इस तरीके से अपने घर से बाहर ना निकले और जहाँ तक हो सके इस संक्रमण को फैलने से बचाएं। अमेठी के जनापुर गांव में संक्रमण फैलने का खतरा। जी हाँ, यूपी के अमेठी जिला के जामू ब्लॉक के जनापुर गांव में सड़क पर पानी इकट्ठा होने की समस्या सामने आ रही है। स्थानीय निवासियों ने जिम्मेदारों की घोर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि आधा गांव गंदे पानी और कीचड़ से होकर निकलने को मजबूर है। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें डर है कि गंदे पानी के भराव के से कहीं संक्रमण बीमारी ना फैल जाए। वहीं इस गांव के जिस रास्ते पर गंदा पानी भरा हुआ है उसे देखकर तो यही लगता है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन का कोरोना वायरस जैसी महामारी के दौर में भी जिम्मेदारों द्वारा खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसमें पूरे गाँव में भयंकर बीमारी फैलने की संभावना कम होती नजर नहीं आ रही है। प्रधान की भी मनमानी है, पूरा गाँव इधर से जाता है, हम लोग चाहते हैं कि पानी का निकास किया जाए। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। मां सीता देवी, क्या समस्या है आपके यहाँ? हमारे यहाँ समस्या यह है कि पानी बरसत है तो ये गंदा पानी जौन है, एक ही मना आते जाते हैं और बीमारी का शंका है और हमारे आंगन में पानी भर जाता है। गांव का मेन रास्ता है ये? गांव का मेन रास्ता है। हाँ, इधर से लगभग कितने लोग रोज निकलते हैं? अरे निकलते हैं 150। जल निकासी कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं ना, कुछ नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि रास्ता हमका चाहिए, पानी निकासी हमका पानी बाहर का जाए कि जिससे हमारे गांव में बीमारी ना फैले। नाम है? राम नारायण। ये क्या समस्या है आपके गांव में? समस्या हमारी है कि बड़ी भारी बीमारी कोरोना फैल रहा है हमारे गाँव में। इतना पानी मेन रास्ता जनापुर में है और उस रास्ते से 3 फुट गहरे में पानी लोग आते हैं, कीचड़ का पानी, सारे गांव का पानी इसी रास्ते में भरा होता है और भर के सड़क पर को जाता है, हमारे घर में पानी भर जाता है, नापदान के अंदर पंडोहे में जाकर के आंगन में। ये समस्या हमारे लोगों को बड़ी दिक्कत है, हमारे बच्चे इसी में पानी में डूबते हैं।
और हम कोई जिम्मेदार आदमी यहाँ पर नहीं है, जो प्रधान वो भी मनमानी है। और हम लोग डरते हैं कि भयंकर महामारी बीमारी न फैल जाए यहाँ पर, इस कीचड़ से सारे गांव गंदा पानी इसमें आता है और यही भरा होता है, पहले निकलने की जगह नहीं, कहीं से कहीं जगह नहीं निकलने की। ये बताएं गांव के कितने लोग लगभग इस रास्ते से रोज़ आते जाते हैं? आधा गांव से कम नहीं आता, पूरे गांव आता है, बाहरी आदमी भी आते हैं यही रास्ते से। यही रास्ते से आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग, हम लोग चाहते हैं कि इसका निकास, पानी का निकास किया जाए और पानी निकाला जाए। ये थे अभी के कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारी फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।